तो पहला फीचर से स्टार्ट करें, सेटिंग्स में जाओ, उसके बाद जाओ एडवांस सेटिंग्स में, और वहां पर मोशन एंड जेस्चर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहां पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है कीप स्क्रीन ऑन वाइल व्यूइंग, इसको एनेबल कर दो। अब इसको एनेबल करोगे तो फोन पर कुछ करो या ना करो, फोन का स्क्रीन अगर तुम देखते रहोगे तो फोन का स्क्रीन ऑफ नहीं होगा, मतलब स्लीप मोड पर नहीं जाएगा। दूसरा फीचर है स्मार्ट विजेट, ये 1.4.1 अपडेट के बाद आया है। तो सिंपली विजेट पर जाने के बाद यहाँ पर स्मार्ट विजेट फर्स्ट में ही मिल जाएगा, अगर ना मिले तो इसका एप्लीकेशन मिल जाता है जिसको इंस्टॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो वहां से इंस्टॉल कर लो। उसके बाद स्मार्ट विजेट पर क्लिक करोगे तो तीन विजेट देखने को मिलेगा, कोई भी एक लॉन्ग टैप करके अपने होम स्क्रीन पर रख लो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इसका बेसिकली काम क्या है कि एक ही विजेट के अंदर मल्टीपल विजेट तुम ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे दो विजेट है, अगर दूसरा वाला विजेट मैं यहाँ पर रखूँ तो इसके अंदर देख सकते हो तीन विजेट है। इसको एडिट करने के लिए लॉन्ग टैप करो, उसके बाद सेटिंग्स पर जाओ और यहाँ पर प्लस वाले बटन पर क्लिक करके और भी ज़्यादा विजेट ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद अपने हिसाब से 4-5 विजेट ऐड कर लो जो भी यूज़ कर रहे हो, और सभी एक ही विजेट के अंदर आ जाएगा। थर्ड फीचर है एज पैनल का, एज पैनल के अंदर अलग अलग पैनल मिल जाता है, जैसे कैलकुलेटर का पैनल है, कंपास का है, उसके अलावा शॉर्टकट है, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्ड, मतलब बहुत सारा पैनल मिल जाता है। अब इसको एनेबल करने के लिए सिंपली सेटिंग्स को ओपन करो, उसके बाद यहाँ पर एज सर्च करो, देन एज पैनल वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करने के बाद इसको सिंपली पहले एनेबल कर लो, मेरा एनेबल है। नीचे देख सकते हो पैनल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो, यहाँ पर कुछ पैनल देखने को मिलेगा, तो यहीं से पैनल को सिलेक्ट करो सिंपली, जो भी पैनल रखना चाहते हो एज पैनल के अंदर। और अगर तुम चाहते हो कि और भी पैनल मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूँ तो नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है गैलेक्सी स्टोर का, इस पर क्लिक करो और गैलेक्सी स्टोर के अंदर एज पैनल का जितना भी पैनल है सभी शो करेगा, तो वहां से डाउनलोड करके डायरेक्टली यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक अभी तक तुम लोगों को सभी फीचर अच्छा लगा होगा, आगे भी और भी फीचर है, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, तुम लोग चैनल वीडियोस तो देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नेक्स्ट फीचर है कैमरे के अंदर, कैमरा ओपन करने के बाद यहाँ पर शटर बटन जो है उसके अंदर अलग अलग फंक्शनैलिटी मिलता है, जैसे शटर बटन को अगर लॉन्ग टैप करके नीचे स्वाइप डाउन करोगे तो मल्टीपल फोटोज क्लिक करता है जिसको बर्स्ट फोटो कहते हैं। अब इसको एडिट भी कर सकते हो, सिंपली ऊपर सेटिंग्स बटन पर जाओ कैमरा के, देन इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा स्वाइप शटर बटन, तो इस पर क्लिक करो। इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक है बर्स्ट शॉट और दूसरा है GIF, तो अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पर GIF सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सेम एक्शन में अगर करूँ कैमरा के शटर बटन के साथ तो ये GIF क्रिएट होता है, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। और ऐसे ही शटर बटन के ऊपर एक स्वाइप अप वाला फीचर भी है, स्वाइप अप करोगे तो शटर बटन जो है वो वहां से डुप्लीकेट हो जाता है, तो ये तब काम आता है जब एक हाथ से फोटो क्लिक करते हो, तो इसको स्वाइप अप करके ऊपर रख लो और एक हाथ से फोटो क्लिक करोगे तो वहां पर आसानी होगा फोटो क्लिक करने के टाइम। सैमसंग के अंदर एक और बहुत ही जबरदस्त फीचर मिल जाता है, अगर फोन पर स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करते हो तो सिंपली सेटिंग्स के अंदर जो डिस्प्ले वाला ऑप्शन है उस पर जाओ, और वहां पर एक टच सेंसिटिविटी का ऑप्शन मिल जाता है जिसको एनेबल कर लो। अगर इसको एनेबल करते हो तो स्क्रीन पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि फॉल्स चला जाता है, टच करते हो बट काम नहीं करता, वैसा नहीं होगा अगर इसको एनेबल करते हो तो। और एक चीज़ मैंने सैमसंग पर नोटिस किया है, फ्लैश लाइट जिसका इंटेंसिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, सिंपली जो नोटिफिकेशन पैनल है उसके अंदर ही जब फ्लैश लाइट ओपन करते हो उसके नीचे क्लिक करो और ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर इंटेंसिटी आप ज़्यादा कम कर सकते हो अपने हिसाब से। अगला फीचर सेटिंग्स के अंदर है, सेटिंग्स के अंदर जो साउंड एंड वाइब्रेशन वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, देन नीचे एक सेपरेट साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा उस पर क्लिक करो। अब इसके अंदर सबसे पहले इसको एनेबल करना पड़ता है, एनेबल कर लो। उसके बाद नीचे एक एप्लीकेशन का ऑप्शन है, एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कोई एप्लीकेशन सेट कर लो, और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है कि कौन से सोर्स से आप उसको प्ले करना चाहते हो, डिवाइस या फिर कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस, तो ब्लूटूथ डिवाइस सेट करो। अब इससे होता क्या है कि मान लो आप YouTube देखते हो और कोई उसके साथ कोई दूसरा एप्लीकेशन भी आप प्ले करते हो तो दूसरा जो एप्लीकेशन है वो तो फ़ोन के डिवाइस जो फ़ोन का स्पीकर है उससे ही प्रोड्यूस होगा उसका साउंड, बट जो YouTube है जो मैंने सिलेक्ट किया था आप अगर सिलेक्ट करोगे वहाँ पर तो YouTube का साउंड जो कनेक्टेड ब्लूटूथ डिवाइस है उससे प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट फीचर मिल जाएगा कॉल एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ऊपर 3 डॉट पर जाओ, उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करो, देन यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है कॉल बैकग्राउंड का, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, देन यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि आप गैलरी से लेना चाहते हो या फिर जो AR इमोजी है वहाँ से लेना चाहते हो, तो गैलरी पर क्लिक करके भी कोई भी वीडियो या फिर फोटो यहाँ पर रख सकते हो जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके अलावा आप जो AR इमोजी है उस पर क्लिक करके अपना AR इमोजी क्रिएट करके उसको भी यहाँ पर रख सकते हो।
और AR इमोजी का वीडियो भी होता है, वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट फीचर में पावर बटन डबल टैप करोगे तो ये डिफॉल्ट में ही रहता है कि कैमरा ओपन हो जाता है, बट आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। सिंपली सेटिंग्स पर जाओ और सर्च करो डबल प्रेस, देन उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाता है, जो डिफॉल्ट पर रहता है कैमरा एप्लीकेशन वो तो है ही सिलेक्टेड है। उसके बाद नीचे एक ऐप ओपन ऐप का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करो तो आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन है सभी एप्लीकेशन यहाँ पर शो करेगा। अब मैं यहाँ पर YouTube सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करो जो भी ओपन करना चाहते हो डबल टैप पावर बटन से। और उसके बाद अगर मैं डबल टैप पावर बटन करूँ तो देख सकते हो कि YouTube ओपन हो जा रहा है। नेक्स्ट सेटिंग से कनेक्शन के अंदर, कनेक्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर सिम मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो डेटा स्विचिंग का। अब ये बेसिकली कहाँ पर काम आता है कि अगर आपके फ़ोन में दो सिम है और दोनों सिम में आप डेटा यूज़ करते हो तो कहीं पर ऐसा होता है कि एक सिम पर बहुत ही बढ़िया नेट चल रहा है, दूसरे सिम पर नहीं चल रहा, तो मैनुअली आपको चेंज करना पड़ता है वो। बट अगर इस ऑप्शन को इनेबल करते हो तो वो मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो स्विच होता रहेगा जिस भी सिम पर ज़्यादा बढ़िया नेट चले। नेक्स्ट सेटिंग्स है एक्सेसिबिलिटी के अंदर। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर हेयरिंग एनहांसमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करो, देन एक ऑप्शन है एडाप्ट साउंड का, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो और टेस्ट माई हेयरिंग पर क्लिक करो। इस पर जब क्लिक करोगे तो सबसे पहले तुम्हारा जो हेडफोन है उसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो दो सेक्शन के अंदर एक राइट और लेफ्ट दोनों कान का सेक्शन है और एक बीप साउंड सुनाई देता है, तो दोनों कान में सुनाई देगा एक एक करके। और अगर सुनाई दे तो येस पर क्लिक करना है, ना सुनाई दे तो नो पर क्लिक करना है और ऐसे ही सिलेक्ट करता जाना है। उसके बाद ये आपके कान के अकॉर्डिंग साउंड को अडॉप्ट कर लेगा और कोई भी म्यूजिक या फिर वीडियो जब देखोगे हेडफोन में तो एक बढ़िया क्वालिटी का साउंड सुन पाओगे। यहाँ पर लास्ट वाला जो फीचर है, इस फीचर को अगर आप यूज़ करते हो तो आपका बैटरी लाइफ लिटरली बहुत हद तक बढ़ सकता है। सिंपली जाना है सेटिंग्स के अंदर और डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, उसके बाद बैटरी वाले सेटिंग्स पर जाओ और यहाँ पर एडवांस्ड सेटिंग्स जो है उस पर क्लिक करो और इसके अंदर एक फीचर मिलता है लास्ट में। अगर आप इस फीचर को इनेबल करते हो और अपने फ़ोन को चार्ज में लगाते हो तो 85% से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा अगर इस फीचर को इनेबल करते हो तो। अब बहुत से लोग बोलते हैं ना कि 80 या फिर 90% से ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए बैटरी, अब सैमसंग ने वही फीचर डाल दिया है यहाँ पर, मतलब सैमसंग भी बोलना चाहता है कि 85% से ज़्यादा चार्ज मत करो। तो हाँ, इसको यूज़ करके देख सकते हो बैटरी लाइफ में, आई थिंक पहले से बैटरी लाइफ बढ़ जाएगा, यूज़ करके एक बार देख सकते हो। तो बस इतना ही था आज का एक क्विक फीचर वाला वीडियो, बहुत ही जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दिया कम टाइम के अंदर कि सैमसंग फोन्स के अंदर क्या क्या फीचर है जो दूसरे फोन्स पर आसानी से देखने को नहीं मिलता। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में बताओ, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।